subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest update. ناظرین اساں موجود آیوں شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی دے باہر گیٹ تے تقریباً 250 دے لگ بھگ شاگرد آئن جے کہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ جا آئن ائے کترن سالن کا وٹھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ تے قائم کیو ویو پر افسوس جی گال یہ ہے تے فارمیسی کونسل دے طرفاں جے کو ان کے رجسٹر نہ تھن دے کرے ہن جو ڈگریوں ہی بیکار تھی رہی ہن ائے انہے میں انسامیا لاپرواہی برتے رہی ہے وائس چانسلر کے کو ریسپانس نہ دینو ان کا پو ہی جے کے شاگرد ہیں جو مستقبل دعوت ہے غریب مانو جن لکھے روپیہ خرچ کرے پنجے بچن کے پڑھایو تو وہ ڈگری وٹھی کر ایندا نوکریوں کندا پر افسوس جو مقام یہ ہے تو ہی شاگرد جو دربدر ہیں روڈن تے ہیں مختلف شہروں میں ونجی مظاہرہ کر رہے ہیں پر کو ان جی بدھن آرو سنن آخر آرو نہ ہے असा सिन टीवी न्यूज के तरफा इतने पौता आयो ए शागिर्दन सा गल हायो था हा छ नालो आ ता जो साई मुजो नालो रिजवान अली आ मा फाइनल ईयर जो स्टूडेंट आ 9 साल पहिरा कायम कयो है वो अच्छा जेको फार्मेसी काउंसिल का 9 साल गुजरण बावजूद अन्या त रजिस्टर न कराए सकिया है जे जो सबब इयो ही आए त इंतजामिया जी नाली सबब जेके फार्मेसी काउंसिल इनन के रिक्वायरमेंट दिनियो इन उए 9 साल गुजरण बावजूद पूरी न कर सकिया इंतजामिया वो छा रिक्वायरमेंट उन में असांजी कंप्लीट बिल्डिंग आ जमे 5 क्लासरूम 7 लैब्स ए टीचर्स फैकल्टी आ जेका इंतजामिया पूरी नथी करे हाने ता छा था चो छा थे हाने असा चौंदा त रिक्वायरमेंट जेके फार्मेसी काउंसिल यूनिवर्सिटी के दिनी उ कंप्लीट करे असा रजिस्ट्रेशन कराई वने जी असा मुस्तकबिल बची सके हाने केतरी बेचू जेके उ गुजरी साई असा यो ब बेचू पास आउट थी चुकियो इन ए पंज बेचू हलन थी पयो उ काथे ब माना कम जा न रहे उ डिग्री जे कने रजिस्टर न आए त असा डिग्री कै कम जी न आए असा 5 साल पढ़ी वणो तभी इंटर पास सजना दे छो त डिग्री रजिस्टर न आए त ये डिग्री असा लिखी न वेंदी काई भी गवर्नमेंट जॉब असा न मिलदी न त ए प्रोफेसर लखे रुपए जो पगारू डिपार्टमेंट खर्चा माना एड़े तरीके सा का ये साई रायगान सजा असा हर साल 60,000 फीस भरियो दा जेका कै कम जी ना है छो त असै डिग्री रजिस्टर ना है त असै डिग्री कम जी ना है छानल हो त साईं मुजो नाम लटलान चाहे मा फाइनल ईयर जो स्टूडेंट आया ए छा मसलो आ तहां जो फार्मेसी छो न रजिस्टर सर 9 साल थी चुका ने डिपार्टमेंट के खुले पर 9 सालन में भी इंतजाम या ने जो रिक्वायरमेंट पूरी न कर सके रिक्वायरमेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तरफा जेके दिनल आहन ओए 9 सालन में इंतजाम का पूरी न थी सकियो आहन असन जो ब बैचेस पास आउट थी चुको आहन 5 बैचेस पढ़ी रही हैं पर उन्हें बिन वांगुर जो बैच पास थी चुके हैं उन्होंने भी कोई फ्यूचर ना है कोई भी उन्होंने कैरियर ना है अड़े तरीके से असो भी कोई कैरियर ना है अगर असर कैंकी गलती है कैंकी गफलत है जैसे कर ही शागिर्द भोग सर इन में सरासर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की गफलत है वह संजीदा ना है मसले के वही कर 9 सालन ताई अगर वो हर साल रिक्वायरमेंट पूरी कंदा रहना तो 5 सालन में रजिस्टर थी वने पर वो 9 सालन का वही करे सुतल आयन उनन के कोई परवाह ना है वो तने सुजाग थिना उनन के तने हिस्सा थिना असा फार्मेसी जी डिपार्टमेंट में जडे असा बाहर रोडन ने निकरंदा है ता काथे काथे वनी इत्तेजाज कयो है सर असा इंटीरियर सिंध तकरीबन हर प्रेस क्लब सखर लाड़काणो जेकोबाद मेरापुर खैरपुर घोटकी पनुआकिल हर जगह ते असा जो स्ट्राइक कराए चुका है और हाने भी असा जो हर प्रेस क्लब ते हले तो पयो ता जो छा नालो साईं मुजो नालो अहमद अली वसाणा है हाँ बुधा जो तो छा ता जो जो फार्मेसी डिपार्टमेंट रजिस्टर न थी आने छा असि फार्मेसी डिपार्टमेंट साई 9 साल इधारो हले पो उन में न केमिकल है न क्लासेस रूम है न कुछ भी ना है अच्छा इन में उस्ताद केतरा जो के पढ़ाने वाला स्टाफ या जो पगारू खड़ रहा है केतरो अमल हुआ साई तकरीबन 7 खन उस्ताद थी वा तो लखे रुपया पगारू खाइंदा पा डिग्री कम की को डिग्री कें कम की ना असि जे भी असा जा दोस्त निकरी वा उन किथे भी नौकरी न पी मिले मेडिकल स्टोर भी नता खोले सकन असा के लेसन थिंदो आ फार्मेसी जो वो भी न पियो मिले असा के छा नालो मोहम्मद वसीम मुरड़ो हाँ यो बुधायो तो छा इशू आ असा जो इशू रजिस्ट्रेशन जो आ पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जका आयो वो मन असा डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन नथी दे हाँ पो जकने न कई रजिस्ट्रेशन
ओ तहां जो डिग्री त कम हुंदो असान जी डिग्री कम जी न रहंदी स आए माने समझ असान जी डिग्री रहंदी न पो असान के इंटर बेसिस समझो तो असान जी माने जाते खणी वेंदा काशी वगैरह त उनन जे जेके असान सीनियर्स हन उनन के चो वने तो तमा जी डिग्री रजिस्टर न असान तमा केड़े बेसिस ते जो नौकरी जे इंटर बेसिस ते लखी नौजवान बिटा न असान तमा के के जो वधिक तमा फार्मेसी ये करे आयो पर तमा वट को रजिस्टर्ड ही न सर्टिफिकेट असान तमा के दियो गरीब मानु पैसा भरे करे लखे रुपया पंजे औलाद के पढ़ाए तो पर उन जी डिग्री कम जी तो अरमान है उनन जा ख्वाब ही लुड़ी सर बिल्कुल असान जा पेरेंट्स में खोड़ी एड़ा शागिर्द आन जे के मेहनत मजदूरी करे पंजे बारन जे ख्वाब लाए डी रात करे उनन के मोकलिन ता उनका अलावा उन स्टूडेंट जा पंजा खर्चा भी आन उए ही जे करे रायगा वेंदा तो असान जी पढ़ाई जो केड़ो फायदो थिन छा नालो ता सर मुजो नालो आदिल अली आ मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट आ जे कने डिग्री ता के न मिली तो पो ता है गाली खराब थी है ता जे वडन जा अरमान सपना ही लुड़ी जी सर बिल्कुल अगर असि डिग्री रजिस्टर्ड ना है तो मना की कम जी ना है असा तभी भी इंटर पास ही हुंदासी असि कोई भी इदारो एक्सेप्ट करने लाइ तैयार ही न हों इवन असो मेडिकल स्टोर में था खोले सकूं जी इतना बेचू पास आउट करे वेन उ पान मजबूर आन तो मतलब कोई गाडो वगैरह खोले वेठा बस यहीं सर कोई रिस्पॉन्स ना है नो न सर अस ना ही आई उल्टो धमकाया पे वे बाबा तहां ये पंज कैंप तहां हटायो वरना तहां जे पेपर फेल कया विंदा तहां के घणो कुछ चयो तो नव साल थियान त इनन ए जेके रिक्वायरमेंट्स पूरी न सर बिल्कुल रिक्वायरमेंट पूरी न असा जेके एक्सपेरिमेंट कना आयो न वो सामान पंजा घरा खणी न आयो जेके एक्सपेरिमेंट करना होना न सामान में पंजे पैसन सा वटी इते कना आयो न त हाने यो मसलो हल की सर यो मसलो इए हल थिनो त असा के पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल ला उनन का रजिस्ट्रेशन मिलंदी पेरिया यूनिवर्सिटी ने जो रिक्वायरमेंट पूरी कंदी मतलब लैब्स ठाइंदी इंस्ट्रूमेंट वठी इंदी केमिकल्स वठी इंदी ई सजा कंदी पोने खा पो असा रजिस्ट्रेशन एक आशे ठायो ही कोन तो दाखला उन सर पिछले 1 साल खा असा के मतलब आसर में रखे पे वने ए हिकड़ी लैब ए हिकड़ो रूम ते क्लासरूम ठाइण लाइ उनखे 1 साल लगी वियो आ अन्या सर असा पर्सनली कहीं रूम कोई घर ठहराइंदा आहियूं तकरीबन 1 साल नाहे लॻंदो पर हिन यूनिवर्सिटी में हिकड़ो क्लासरूम ठाहिण में उनखे साल लॻी वियो आहे तव्हांजो आवाज़ आहे ही माना यूनिवर्सिटी आरा उनके मथे पहुंचायो अथन त भई ही एकड़ो मसलो लगो पियो आ ही बेचैनी लगी पिया आ ही शागिर्दन जो मुस्तकबिल दावत न सर बिल्कुल भी न कोई अची न तो असा वट खप्पे खप्पे रजिस्ट्रेशन खप्पे सर मुंहिंजो नालो तोकी रमन सोमराम मां सेकंड ईयर जो स्टूडेंट आहियां सर असांजे रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल खां नाहे थियल असां इन करे 16-17 ॾींहनि खां स्ट्राइक करे रहिया आहियूं ऐं इंतिज़ाम खां को बि जवाबु न ॾेई रहिया आहियूं उहे सीरियस ई न आहिनि ऐं डीना फैकल्टी ऑफ साइंस इहो चवणु आहे त तव्हां रोडनि ते सायो करे वेठा आहियो तव्हांखे मज़ो थो अचे तव्हां हिते डिस्कस करणु वेठा आहियो उनखे इहो अहसासु न आहे उहो ईअं चए थो त तव्हां मज़ो करे रहिया आहियो जेकॾहिं उन जूं नियाणियूं हुजनि हिते रोडनि ते वेठियूं हुजनि हा उनजो औलाद हिते रोडनि ते साईं नथा साईं असां हिननि खे चवंदासीं जेसीं ताईं असांखे रजिस्ट्रेशन न मिलंदी असां रोडनि तां न उथंदासीं स्ट्राइक ख़तमु न कंदासीं क्लासिस अटेंड न कंदासीं न सेमेस्टर ॾींदासीं न मिड ॾींदासीं जेसीं ताईं असांखे रजिस्ट्रेशन फार्मेसी क्लास बंदि आहिनि बाइकाट असां बाइकाट कयो आहे असां क्लास अटेंड न कंदासीं को हिकिड़ो स्टूडेंट बि क्लास में न आहे असां क्लास अटेंड न करे रहिया आहियूं असांजो बाइकाट आहे जेसीं ताईं असांखे रजिस्ट्रेशन न मिलंदी नवन सालन का डिपार्टमेंट खुलियो रजिस्टर न पियो थे इन में डो डो जको आ इंतजामिया जो आ यूनिवर्सिटी वारन जो छो तो वे रिक्वायरमेंट्स पूरी न था करें रिक्वायरमेंट्स पूरी न थिंदी तो असन रजिस्ट्रेशन न थिंदी असन रजिस्ट्रेशन न थिंदी तो असन के गवर्नमेंट जॉब्स न मिलंदी न्याणन के पीमा पोरिया करे मजदूरियो करे पैसा खर्च करे लखे रुपया पढ़ाइन था उनन जा जो ख्वाब ही सजा कुचल जी वजन उन जी डिग्री माने न मिले तो पो तो उन जो दिल ते अलाए छा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां हिते अचूं था ऐं पढ़ूं था असांजा माउ पीउ जेको असांजे लाइ करनि था उन्हनि खे ॾुख त थींदो न असांजा माउ पीउ जेको आहे न महिनत करे असांखे हिते असांजी फीस था भरनि ऐं असांजी उहा जेकी डिग्री आहे उहा इंटर जे बराबरि हुजे त असांजे लाइ कोई बि फ़ाइदो न आहे मेडिकल बिल्कुलु बि न हाणे इहो मूंखे ॾिसजो त कहिड़ियूं कहिड़ियूं रिक्वायरमेंट्स जेके आहिनि असां वटि लैब्स न आहिनि क्लास बि न आहिनि ऐं कुझु इक्विपमेंट्स बि न आहिनि जंहिंजे ज़रिए असां एक्सपेरिमेंट कंदा आहियूं अगरि असां एक्सपेरिमेंट न कंदासीं त असांखे नॉलेज बि न थींदी हिन में उन फार्मेसी काउंसिल जो त ॾोह न आहे न हितां जी इंतिज़ाम ॾोह आहे जंहिं उहे घुर्बल जेके उहे ज़रूरत जी फार्मेसी जो रजिस्टर न थियो नवनि सालनि खां पोइ नवनि सालनि खां या कंहिंजी कोताही आहे जो रजिस्टर इहा सॼी ऐं सॼी कोताही जेको आहे यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया जी आहे जेका असांजे इन सिलसिले खे अॻिते नथी वधाइणु चाहे छा थी चाहे उहो असांजी रिक्वायरमेंट्स इहे ई आहिनि की इन मसले खे हल कयो वञे जल्द अज जल्द जेतिरो थी सघे पर ही उन मसले खे एॾो सीरियस वठनि ई कोन था
हते जो ता इत्तेजाज कयो आ त ता वट आया हन गालियो कयो हे अज तई असा वट कोन आया हन असा को पुछण के ता छाता चायो छा नथा चायो एतरो इनन को नथियो आ के न्याणी रोड ते बैठियो हन के हे बार अचन अज गालायन असा सा इनन को एतरो तई ना थियो अच्छा हे टेंट वगैरह कोने नथा ना उ असा के नथा आन देन उन जी इजाजत कोन ता देन अला हे जो क्लास वगैरह लाख रुपया उस्तादन जो पगारू खर्च डिग्री बिल्कुल असो अज चार साल जो फाइनल ईयर में फोर्थ ईयर में जैसे जैस तीन तालीम हले थी उन्हें तो नुकसान थे तो ना जा पेरेंट्स अलग कि वेचारा कमाइन था उन्हें फीस पे था करन पर इंतजामिया के एतरो एहसास न तो थे अगर इनकी का धीए या भेण इतने वेठी हुए न अगर इनके एहसास थे तो कुछ अगत कदम खड़ी था सन छोजे इनो इतने कोई ना वेठो वेन धीन सा है भाईरन सा धीयू भेणू सब जे भी उन फ्यूचर सा खेडन था पाया अच्छा भला केतरो खर्चो अची तो वने एक शागिर्द जानी एक स्टूडेंट जी जेकी फीस आ वो 60,000 आए और एक क्लास में जो का 50 जेको स्टूडेंट्स आ तो एक 60,000 जे 50 स्टूडेंट्स आ हिसाब बणी दिसो तो केतरो करोड़ रुपया बिल्कुल न त हाने ही जे मसलो ता जो नल थियो वो तो ता जी तालीम में इंटर जे बराबर बिल्कुल असान जी तालीम जो का हुआ इंटर जे बराबर आ एतरे हद ताई जो है असान के एक लाइसेंस जो को हुंदो आ रजिस्टर्ड तो परे जी गाल आ जो को लाइसेंस हुंदो आ ग्रेजुएशन वो ही असान के कौन दा दे ना उन बिहाफ ते असान मेडिकल स्टोर तक खोले सका ना कुछ प्राइवेट जॉब भी अगर असान के मिले थी तो वो के कम जी ना है वो भी हुंदी असान के जो का कॉन्ट्रैक्ट बेस ते साल ब साल 6 महीना या केड़े कम दी वो जगह पास वाली डिग्री आ वो अब ता ना वो ना ओ सेमेस्टर जे थीदा आन उने में वो ता उए आन बिल्कुल आन इन सिलसिले में ता कोर्ट में वणण जा कुछ जेडो कानूनी कदम खण उन ते गौर कर ना बिल्कुल भी ना हाने जे कडे ई ता जो मसलो हल न थियो तो पो ता छा कर असा जो मसलो अगर हल न थियो तो असा सीएम हाउस कराची ताई विंदा से इन एहतजाज के असा खणी विंदा से छानलो सैयद अक्सा मसरूर नवन सालन का ताजो डिपार्टमेंट माना कायम आ पर उनके रजिस्टर न कयो आ त इन में कोताई कई इन सजी सही सजी कोताई जे की असा यूनिवर्सिटी इंतजामिया जी आ ये सफा सीरियस न असा जे मामले में असा कुछ एहतजाज कयूं ता उन के टाले करे कूड़ियों जे केन से दिलासा देई करे व्यारो तो वने उन का पो वेही करे बस पो अगर विजिट थे ती त उन जो रिक्वायरमेंट्स फार्मेसी काउंसिल जे कुछ रिक्वायरमेंट जे के पूरी न थी थन वो ही हला त वने बगैर रजिस्ट्रेशन दे ए त एकड़ी न्याणी के पढ़ाने जे लाए वालदेन या शाग उन जो पुत्र के लखे रुपया खर्च था कन मजदूरियों खड़ी कर्ज खड़ी जायू विकणी उन पढ़ाइन था उनके जो डिग्री न मिले तो माँ पी ते बिल्कुल असा एक सिर्फ है एकड़े स्टूडेंट की गाल है एकड़ी पूरी फैमिली की गाल है सिर्फ 250 स्टूडेंट 250 खानदान हैं जेके सफर कंदा असा सिर्फ डिप्रेस नहीं असा सा गजो सा पेरेंट्स भी डिप्रेस हैं जो सा रोज अच्छी घर में अच्छी रोडन ते दा वेऊ पा एक साल का वटी इत्तेजाज हले पेरेंट मना न था कन न रोडन न बिल्कुल भी न असा जी बेइज्जती थी न बिल्कुल भी ना ही पांजे हक ला वण वरी गाल है एकड़ी वो असा में एकड़ो जज्बो आए वो हर के में न हुंदो वो असा जे पेरेंट्स असा के सपोर्ट कंदा त नहीं असा इते आयो है त नहीं सदा सा गलायो त यो इंतजामिया ता सा गालियो करन न बिल्कुल भी न अजा धमकियों तो दियन पे कॉल से असि की एक्शन कमेटी आ धमकियों दिन पे अगर न थे अगर तुम गाल मे न थे तो यूनिवर्सिटी की बदनामी थे पी जी मसलो हल न थो तो पहली गाल अगर मसलो हल न थो तो न उठा ये इत्तेजाज तो जारी रहा टिल रजिस्ट्रेशन अगर ये अना भी सीरियस न था दिन पे तो पे वे कराची मार्च कह सीएम हाउस ती अगर उत मसलो हल न तो इस्लामाबाद में वही धन हणंदी शागिर्दी केतो खर्चो अची तो वे डिग्री मुकमल कर डिग्री मुकमल कर 60,000 हर साल है त 3-4 लख हर केंजो अची तो उन का पोए रहण हॉस्टल जे के उनन पैसा हॉस्टल जा खर्च अलग सबनी जा करोड़ रुपया खर्च बिल्कुल असा जे डिपार्टमेंट जी बे कोई डिपार्टमेंट एतरो न कमाई रिंदो फार्मेसी डिपार्टमेंट हनन के हर साल 1 करोड़ 20 लख जको कमाए तो लेपियो इन एड़ो बे कोई भी डिपार्टमेंट ना है एकड़ी बैच सिर्फ रिक्वायरमेंट्स केड़ी रहल रिक्वायरमेंट्स के मेजर रिक्वायरमेंट्स ने जो प्रोफॉर्मा दिनला पर जेके वधिक हो चई था जते जोर था भरन वो एकड़ो तो एनिमल हाउस आ बे टीचिंग फैकल्टी आ जेके असा वट प्रोफेसर्स ना हन उहे लैब ना हन आए उन का अलावा क्लासेस असा वट पूरी हुजन खपन पंज बैचन जो पंज क्लास हुजन खपन जेके बस असा वट ना हन असा वट 3 क्लास हुन टोटल उन का अलावा लैब असा जी बखुटलन आए बे बजट ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो 8% बजट जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के मिलन खपे जो वो एतरो कमाई दे पई तो उनन के एतरो ही बजट में मिले 8% बजट ओवरऑल नेचुरल साइंस फैकल्टी जो बस आगे नथो मिले सयान
زینب ہے، ہم لوگ شاہ لطیف یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ پچھلے 28 تاریخ سے ہم 28 جنوری سے روڈ پہ بیٹھے ہوئے اور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہماری انتظامیہ ہے جسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے، آ کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ٹینٹ بھی اوپر نہیں ہے، کیا وہ لگانے نہیں دے رہے؟ وہ تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں نا کہ یہاں بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرح بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہمارے لیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک جو والدین ہوتے ہیں ان کا سپنا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کے افسر بنا، یہ تو انہوں نے قرضے لے کر محنت کر کے اتنا ان کو پڑھایا لکھا، یہ تو ڈگری کام کی، ان کے سپنوں پر تو پھر یہ یوں سمجھو کہ پانی پر۔ یہ ساری کی ساری غلطی ہماری انتظامیہ کی ہے، جو ٹیسٹ میں بیٹھ کے ہمیں یہ کہتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ رجسٹر ہے، اور یہاں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ رجسٹر ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح فیس ہماری بھرتے ہیں، 60,000 روپے ہر اسٹوڈنٹ کا یہاں آیا ہے، اور وہ ان کے والدین کا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح یہاں بھر رہے ہیں کس طرح سے کر کے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہی رجسٹر نہیں۔ وہ پھر 5 سال آپ پڑھتے رہو اور اس کے بعد ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ کو کب پتا چلا کہ یہ ہم لوگوں کو ہمارے داخلہ لیا تھا اس وقت پتا تھا کہ رجسٹر نہیں؟ اس وقت ہمیں نہیں بتایا گیا تھا، ایون جو ہمارا میدان انتظام کا لگتا ہے یہاں پہ امتحان کا، وہاں بیٹھ کے یہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ رجسٹر ہے ڈپارٹمنٹ رجسٹر ہے، لیکن جب یہاں آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ رجسٹر ہی نہیں ہے۔ کون کون سی ریکوائرمنٹس پوری نہیں؟ ہمارے یہاں ایک تو بڑی بڑی ریکوائرمنٹس انہوں نے پوری نہیں کی، وہ تو کیمیکلز منگانا یہ کرنا یہ تو چھوٹی ریکوائرمنٹ ہے، کلاسز چاہیے، لیبس چاہیے، اینیمل ہاؤس چاہیے، یہی ریکوائرمنٹ انہوں نے پوری نہیں کی، فیکلٹی پوری نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ بتائیے کہ یہ غفلت کس کی؟ یہ ساری غفلت انتظامیہ کی ہے، کیونکہ پی پی سی بھی ہمیں جب ہی رجسٹریشن دے گی جب یہاں کی پوری فیکلٹی ہوگی، ریکوائرمنٹ پوری ہوں گی۔ یہ جو وائس چانسلر ہے وہ بھی خود ایک لیڈی ہے، پر اس کو احساس نہیں ہے بچی کو احساس نہیں ہے، اندر اسٹوڈنٹ ویک چل رہے ہیں وہ وہاں آ سکتی ہیں، لیکن یہاں اسٹوڈنٹس کو دیکھنے نہیں آ سکتی کہ کس طرح لڑکی لڑکے جو ہیں وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے پچھلے 15-16 دنوں سے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام کائنات اوان ہے، میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ فائنل ایئر کی، پھر تو ڈگری کام کی نہیں؟ کسی کام کی نہیں ہے ڈگری، ایون جب ہم نے ایڈمیشن لیا تھا اس ٹائم جو ہے انہوں نے ٹیسٹ کے دوران کہا تھا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ رجسٹرڈ ہے، یہ لوگ کہا تھا یہ؟ جی یہ کہا تھا، لیکن یہ لوگ ٹیسٹ کے دوران جو ہے دھوکہ دے کے ایڈمیشنز لیتے ہیں، یہ پچھلے 5 سال سے ہوتا آ رہا ہے، اس سال بھی انہوں نے یہی دھوکہ دے کے ایڈمیشنز لیے ہیں۔ جب رجسٹر نہیں ہے تو ایڈمیشن ہی نہیں کرواؤ تو دوسروں کو تو جو ہے وہ ایسا آسرا نہیں، یہی نا یہ لوگ پتہ نہیں کیوں دھوکہ دے کے ایڈمیشنز لیے آ رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، اسٹوڈینٹس کا فیوچر تباہ کیے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا وہ کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جو ابھی تک پوری نہیں؟ ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ 5 کلاسز ہونی چاہیے، 5 لیبس ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کیمیکلز پورے ہونے چاہیے، انسٹرومینٹس ہونے چاہیے، فیکلٹی پوری ہونی چاہیے، جس میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہے ابھی تک۔ اینیمل کا بھی ہونا چاہیے، اینیمل ہاؤس بھی ہے، لیکن یہ کہاں بنائیں گے، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہیں، کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہے، تو یہ فیس کیسے لے رہے ہیں؟ فیس لیتے جا رہے ہیں اور ہر سال فیس بڑھاتے بھی جا رہے ہیں۔ جی شروع میں کتنی تھی؟ شروع میں ہماری تھی 40,000، پھر نیکسٹ ایئر 50,000 ہوئی، پھر 60,000، اس طرح ہر سال بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ صرف پیسے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے مستقبل فیوچر کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے فیوچر کیسا ہے کیا ہے، جو اسٹوڈینٹ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، سب جاب لیس پھر رہے ہیں، کہیں گورنمنٹ جاب، میڈیکل اسٹور بھی نہیں کھول سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، صرف فضول ہے ہماری یہ ڈگری۔ ڈگری دے رہے ہیں آپ کو؟ ڈگری نہیں دے رہے نا ہمیں، نہ کوئی پاس سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم گھر پہ بیٹھ کے کریں کیا؟ اچھا یہ آپ کے والدین نے تو ایسا سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، ان کو پتا ہوتا تو وہ کیا ہمارا ایڈمیشن اس ڈپارٹمنٹ میں کرواتے، کبھی بھی نہیں کرواتے۔ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ نہ لیتے تو کسی اور میں؟ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ کیوں لیا، اپنے فیوچر کو خود ہم نے داؤ پر لگایا ہے، لیکن انہوں نے دھوکہ دے کے ایڈمیشن لیے ہیں۔ اچھا چلے اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کو ڈگری بھی نہیں دیتے پھر کیا کریں؟ ہمیں نہیں پتا، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈگری دیں، ہمیں رجسٹریشن دیں، جب تک نہیں دیں گے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہمیں چاہیے کسی بھی حال میں چاہیے۔ اس احتجاج کو اور آگے بڑھائیں گے؟ جی آگے بڑھائیں گے، ہم سی ایم ہاؤس تک جائیں گے، ہم پی ایم ہاؤس تک جائیں گے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی گرلس ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کہاں کہاں شہروں میں جا کے احتجاج؟ ہم لوگوں نے گمبٹ میں کیا ہے، ہم لوگوں نے پنو عاقل میں کیا ہے، ہم نے سکھر میں بھی کیا ہے، خیرپور میں بھی کیا ہے، جہاں جو جس سٹی کا ہے، رانی پور میں بھی کیا ہے، وہ اپنے اپنے سٹی میں جا کر احتجاج کرتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عائشہ آرائی ہے۔ یہ بتائیں کون سے سال میں ہیں؟ میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ابھی جو سال کی پڑھائی کی بھی کام
जी किसी काम की नहीं है। हम लोग 4 साल यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, 4 साल की फीसें भर चुके हैं, 4 साल यहाँ पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अगर अगले साल तक भी हम यहाँ पढ़ते रहे और ये डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता तो ये डिग्री हमारे किसी काम की नहीं है। अच्छा ये बताएं कि पहले आपको अगर पता होता कि भाई ये हालत होगी इस डिग्री की, फिर तो शायद आप इस डिपार्टमेंट में दाखिला ही नहीं लेते। कभी भी कोई भी आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निकलता। हम लोग कभी भी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं लेते अगर हमें पहले से मालूम होता कि 5 साल यहाँ लगाने के बाद भी हमें कोई मुस्तकबिल नहीं मिलेगा। अच्छा ये जो वालदेन है वो तो बेचारे गरीब मेहनत मजदूरी करके अपने बेटियों को यहाँ भेज रहे हैं, फिर उनके तो ख्वाबों के सपने ही सारे वो पानी फिर गए। जाहिर सी बात है तमाम वालदान इतने तो सारे एबल नहीं होते कि इतनी इतनी फीसेस भर सके और जो रोजमर्रा के खर्चे यूनिवर्सिटी के वो सब उठा सके। कन्वेंस का खर्चा है, हॉस्टल में रहने का खर्चा होता है, तो माँ बाप पता नहीं कितनी मेहनत करके यहाँ ये पैसे भरते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को कोई फ्यूचर नहीं मिलेगा तो जाया हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं जो अभी पूरी नहीं? हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हमारी फैकल्टी होनी चाहिए, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए, उनकी एक परसेंटेज है जिसके मुताबिक इन लोगों को यहाँ पर हायर करने चाहिए टीचर्स, लेकिन ये लोग नहीं करते। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कम पे पर जो है वो लोग ले आते हैं यहाँ पर, जो कि फार्मासिस्ट नहीं है, जो उस क्वालिटी के नहीं है टीचर्स, जो इन लोगों को हाई पे देकर एसोसिएट प्रोफेसर लेकर आने चाहिए। और इसके अलावा हमारे लैब्स हैं, हमारे केमिकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ मुकम्मल नहीं है, हमारा कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। पिछले 2 साल से हम लोग का कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। फिर तो ये थ्योरी पढ़ते अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो फिर कैसे आप? हमारी सारी डिग्री, हमारी जितनी भी प्रैक्टिकल लाइफ है आगे, वो सारा प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ थ्योरी के रट्टे लगा रहे हैं और पेपर्स दे रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं है इस सबका। हम आगे अगर जाके कहीं जॉब करेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर तो उसके लिए प्रैक्टिकल जरूरी है। खर्चा कितना आ जाता है एक स्टूडेंट? एक स्टूडेंट की पहले तो फीस आती है, हम लोग 60,000 तकरीबन यहाँ पर हर साल की फीस है। इस साल जो स्टूडेंट्स आए उन्होंने 60,000 फीस भरी है, और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के खर्चे हैं, हमारे आने जाने की कन्वेंस पे खर्चे लगते हैं, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ज्यादा खर्चे होते हैं, तो इस सबको मिला के 70-80 हज़ार लोगों का खर्चा बनता है। इतने 4-5 साल जो पढ़ाई की वो भी ज़ाया हो जाएगी। अगर हम यहाँ से पास आउट होंगे तो हमारे पास सिर्फ इंटर की डिग्री होगी, उस इंटर की बेस पे तो हमारी आज कोई फ्यूचर नहीं है। क्या औकात क्या है एक इंटर की डिग्री की? अच्छा अगर ये मसला आपका नहीं हल होता फिर आप क्या करें? हम लोगों की तमाम यूनिवर्सिटी हमारे साथ है, हमारे साथ KMC के स्टूडेंट्स भी हैं। अगर ये लोग हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सीरियस एक्शन नहीं लेते तो हम यहाँ से पूरी यूनिवर्सिटी बंद करवा के सारे स्टूडेंट्स लेकर जो है वो CM हाउस जाएंगे कराची। अगर वहाँ पे भी हमारी कोई बात नहीं सुनते तो हम PM तक जाएंगे जरूर। ऊपर टेंट भी नहीं है, ये आदत नहीं दे रहे कि हम यहाँ पे टेंट लगाएं, हम धूप में बारिश में यहीं बैठे हैं। शागिर्दनि जे एतिजाज खे ॾिसी शहर जी मशहूर समाजी वर्कर, दुख सुख में शहरनि जे कमु ईंदड़ शहनाज़ शेख हिते मौजूदु आहे, हुन सां ॻाल्हायूं था। हाणे इहो ॿुधाइजो त ही हिननि खे दाख़िला ॾेई 9 सालनि खां वठी हिननि खे लुटे फुरे नास करे ऐं हैर हुननि जी डिग्री बि कम जी न आहे, रजिस्टर बि न आहे, हिननि जा वालदेन जेके आहिनि उन्हनि वीचारनि सपना सजाए ऐं पंहिंजो महिनत मज़ूरियूं करे हिननि खे मोकिलियो, त हिन में गफ़लत कई? गफ़लत इंतिज़ामिया जी आहे ऐं असांजे सियासी भोतारनि जी आहे, जेके हिन सां शामिल आहिनि इन गंदे ऐं घुनोने कम में, जेके खैरपुर जे टोटल जेके बि शागिर्द आहिनि, शागिर्दियाणियूं आहिनि, उन्हनि जे फ्यूचर सां खेॾी रही आहे। असांखे तमामु घणो अफ़सोस आहे, असां मज़म्मत था कयूं अहिड़े कमनि जी जो शागिर्दनि जे इन्हनि मुस्तक़बिल खे दाव ते लॻाए करे हर साल हर हिकु शागिर्द खां 60,000 फीस त वरिती थी वञे पर उन डिपार्टमेंट खे रजिस्टर नथो कयो वञे। हाणे जेकॾहिं हिन जो रजिस्ट्रेशन न थी त पोइ छा तव्हां हिननि सां साथ ॾींदव? बिल्कुलु असां हिननि सां गॾु आहियूं, हिननि जो फ्यूचर दाव ते आहे, असां हिननि शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियुनि सां बिल्कुलु गॾु हूंदासीं, चाहे उहो हिननि जो लॉन्ग मार्च हुजे या रोड ब्लॉक करण वारो फैसलो हुजे, जेसी ताईं इहो डिपार्टमेंट रजिस्टर न थींदो असां हिननि सां गॾु हूंदासीं। नाज़रीन असां मौजूदु आहियूं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटीअ जी वाइस चांसलर डॉक्टर परवीन शाह साहिबा सां उन सां ॻाल्हायूं था। हा मैडम, इहो ॿुधाइजो त हे 9 सालनि खां वठी फार्मेसी डिपार्टमेंट क़ाइमु कयो वियो त छा हुन जूं रिक्वायरमेंट्स आहिनि जेके पूरियूं न थियूं आहिनि, जंहिंखां पोइ ही डिग्रियुनि जो इहो इशू?
हिकड़ी गाल ताऊ क्लियर कंदी हलां ते नवन सालन खां वठी जडे आऊं आई हस 7 साल पहिरी ते यो डिपार्टमेंट बंद थियलो खुलियल कोन हो फार्मेसी काउंसिल इन के बंद करे वई हुई ऐं पोइ मूं अची वरी पंहिंजी कोशिशूं जारी कयूं ऐं पोइ हुननि खे प्रोविजनल इजाज़त वरिती ताकि असां क्लासिस हलाए सघूं पर तव्हांखे आउं हिते ॿुधाईंदी हलां त उन में जेके टीम बार बार जेके टीम्स आयूं आहिनि जेके जेके रिक्वायरमेंट्स ॿुधाईंदियूं वयूं आहिनि असां बि पूरे करण जी कोशिश कई आहे तॾहिं असांखे इजाज़त मिली त असां क्लासिस शुरू कया ऐं एसि ताईं जेको पास आउट करे वियो हो ग्रुप उन ते हुननि पेनल्टी विधी 9 लखनि जी उहा बि मूं भरे ॾिनी ताकी उन्हनि जो फ्यूचर बि ख़राब न थिए ॿारनि जो कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर ऑफ दोज़ स्टूडेंट्स असां उहे 9 लख भरे ॾिना ताकी उन्हनि खां हू फॉर्मली हिकिड़ो इम्तिहान वठंदा उन खां पोइ उन्हनि जी एक्रीडेशन थी वेंदी हाणे हिननि जो बि सिलसिलो इहो ई आहे त जेके मुख़्तलिफ़ टीम्स अचनि थियूं हिकिड़ो दफ़ो जेका टीम अचे थी उहा रिक्वायरमेंट ॿुधाए थी वञे असां उहा पूरी करण जी कोशिशि कयूं था ॿिए दफ़े वरी ॿिया मेंबर अचनि था वरी ॿियूं शयूं हणी था वञनि त बहरहाल हींअर असांखे उहे हिकिड़े साल जो टाइम ॾेई विया आहिनि उन में असां वार फुटिंग से कोशिशि कयूं पिया त जेके हुननि जूं रिक्वायर्ड लैब्स आहिनि रिक्वायर्ड क्लासरूम्स आहिनि उहे असां वार फुटिंग से तव्हांखे आउं बिल्कुलु ॿुधायां थी ऑन मतिलबु तव्हांजे चैनल जे हवाले सां त असां टेंडर में बि कोन विया आहियूं उन लाइ उहे मूंखे अलॻि फेस करणो पवंदो इन्हनि खे ऑडिट वारनि खे इहे सिर्फ़ इन करे त टाइम ते असां उहे शयूं पूरियूं कयूं त असां उहे कमरा बि ठाराया आहिनि 2 क्लासरूम 2 लैब्स जेके हुननि जूं रिक्वायरमेंट्स हुयूं ऐं अॼु मूं हाई लेवल जी हिकिड़ी कमेटी नोटिफाई कराई आहे जिन कल्ह हिननि सां ॿारनि सां ॻाल्हायो बि आहे उहा सिंध यूनिवर्सिटी खे विज़िट करणु वई आहे ऐं कराची यूनिवर्सिटी खे विज़िट करणु वई आहे त कहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं इक्विपमेंट्स जेके असां वटि कोन आहिनि ऐं हुननि वटि आहिनि त असां उहे बि कयूं ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त कल्ह जिन ॻाल्हायो वञे ॿारनि सां उन्हनि ॿारनि खे बि ऑफर कयूं त तव्हां मां 4 ॿार असां सां गॾिजी हलनि हली सिंध यूनिवर्सिटी खे विज़िट कनि जेको हुननि रिफ्यूज़ कयो असांजो तव्हांखे ख़बर आहे त यूनिवर्सिटी हींअर फाइनेंशियल क्राइसिस में आहे हिकिड़ी रिक्वायरमेंट इहा बि अथनि त 30 मिलियन एंडोमेंट फंड जो खोलियो ऐं अलॻि अकाउंट खोलियो अलॻि अकाउंट त असां खोलियो पर 30 मिलियन असां वटि हींअर कोन्हनि जेके असां उन में रखी सघूं उन में ॿारनि 2-3 महीननि खां वठी फीस ॾियणु बंदि करे छॾी आहे मूं हिननि ॿारनि खे ऑप्शन ॾिनो बाबा असांखे फीस न ॾियो उन अकाउंट में पैसा विझो ताकी उहो तव्हांजो एंडोमेंट डेवलपमेंट थी वञे उहो बि मांदा हू मञण खां इनकारी आहिनि ऐं हाणे त इरेशनल एटीट्यूड एतिरो आहे जो कल्ह डीन्स खे बि घटि वधि ॻाल्हायो अथनि मुंहिंजे लाइ घटि वधि उन ॾींहुं अधी सहराबासी ॻाल्हाइनि उन जे अॻियां ॻाल्हायूं त असांखे रेस्टिगेट था कनि असांखे हीअं था कनि हिते ॾिसो असांजो मसला हल थींदा इदारे जे अंदरि डायलॉग सां पोलिटिकल लीडर रोड ते अची पंहिंजी पॉलिटिक्स चमकाए था वञनि उन्हनि सां मसला हल कोन थींदा मसला हल असीं हिननि जा कंदासीं ऐं आउं पूरी कोशिशि पई कयां लास्ट वीक गवर्नर सां मीटिंग हुई ऐं तव्हांखे मिनट्स ॾेखारियां उन में पहिरियों सवाल ई मूं गवर्नर सां इहो कयो त सर हमारा इहे प्रॉब्लम है कि हमारी फार्मेसी काउंसिल हमें एक्रीडेट नहीं कर रही है फार्मेसी डिपार्टमेंट को उसके लिए हमारी मदद करें उहे मिनट्स मां तव्हांखे शो करे सघां थी ऐं ॿियो त जेके बि रिक्वायर्ड शयूं आहिनि उहे असां पूरे करण जी कोशिशि कंदासीं टाइम आहे पर हिननि खे खपे थी हींअर क्लासिस अटेंड कनि ऐं मार्च में मिडटर्म टेस्ट थियण वारा आहिनि ही जे न कंदा अटेंड त उहे न थी सघंदा ऐं पोइ ज़ाहिर पंहिंजो ई नुक़सान कंदा सो इहो मसलो आहे ॿियो वधीक को प्रॉब्लम कोन्हे अच्छा मैडम इहो ॿुधाइजो हुननि जो वरी चवण आहे त हिते को असां सां ॻाल्हाइण ई न आयो आहे सोरहं ॾींहं थियो आहे को माण्हू राति न कयो हेसि ताईं डीन चेयरपर्सन हिननि जा टीचर्स ॻाल्हाईंदा रहिया पर कल्ह बाक़ाइदे जेका नोटिफाई थियल आहे टीम आहे जेका 12-13 माण्हुनि ते आहे उन वञी ॻाल्हायो अथनि रोड ते उन खां पोइ राति ई डीन जे लाइ घटि वधि ॻाल्हियूं हलायूं अथनि ऐं मैसेज हलाया अथनि घटि वधि कयो PVC हुनजो कन्वीनर आहे तव्हां PVC सां मिली सघो था ऐं अॼु उहा सॼी टीम सिंध यूनिवर्सिटी वई आहे जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो पर ही के इन्हनि जे ई कम सां लॻल आहिनि ऐं असांखे हिननि खां वधीक मूंखे ॻणती आहे मुंहिंजे इदारे जी ॻाल्हि आहे मुंहिंजो ॾिसो न अगरि हिकिड़ो डिपार्टमेंट बंदि थियल जेको मूं खोल रहियो आहे त आउं चाहींदुसि त बंदि थी वञे छा मूं तव्हां ॾिसो त यूनिवर्सिटीअ में केतिरा प्रोजेक्ट्स मूं स्टार्ट कराया आहिनि तव्हां विटनेस आहियो इहो मेन गेट ठहियो आहे जेको आउं सम्झां थी त पाकिस्तान में बहितरीन गेट आहे कंहिं बि यूनिवर्सिटी हालांकि असां त मतिलबु हू असांजा अल्मा मेटर आहिनि हीअ असांजी नंढी यूनिवर्सिटी आहे 3rd लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी आहे पर अंदरि तव्हां वेंदव त अकेडमिक ब्लॉक हिकिड़ो ठहे थो 200 स्टूडेंट्स जे लाइ हॉस्टल ठहे पियो इहे सभई प्रोजेक्ट्स आउं खणी आई आहियां ॿुॾल प्रोजेक्ट्स आहे उहे खणी आई आहियां पर हिते तव्हां जेतिरो बि कमु कयो तव्हांखे रुगो क्रिटिसिज़म फेस करणी थी पए तव्हांखे तव्हांजी तारीफ़ कोई कोन कंदो बहरहाल कमु ॻाल्हाए थो सो असीं कोशिशि में लॻा पिया आहियूं ॿार असांखे प्यारा आहिनि असांजा ॿार आहिनि ऐं असांखे हुननि जो फ्यूचर तमामु घणो अज़ीज़ आहे अच्छा मैडम इहो ॿुधाइजो हिकिड़ा अहिड़ा वरी प्रोफेशनल हूंदा आहिनि जेके ब्लैकमेलर जेके माफ़िया हूंदियूं आहिनि जेके वञी वाइस चांसलरनि खे इन्हनि खे हर शइ मूं त पैसा मिलनि
उहे भड़काईंदा आहिनि, उहे तव्हांखे लॻे थो हिन जे पोयां मूंखे बिल्कुलु ईअं थो लॻे, छो जो मूंखे जेको ॿुधायो वियो आहे त 5-6 ॿार आहिनि जेके एक्टिव आहिनि, ॿिया ॿार जेके आहिनि उहे ॻाल्हियूं करण बि चाहिनि था, ऐं कल्ह बि कंहिं हिकिड़े ॿार चयो त असीं मैडम सां मिलणु चाहियूं था, जेको मूं चयोमानि एनी टाइम ते केॾी महिल बि अचो, अची मूंसां मिलो, पर 3-4 ॿार अचो, जेके अचो सॼो डंब जो डंब न अचे, बिल्कुलु आउं ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियां। पर ॻाल्हि इहा आहे त सभु मसला जॾहिं असीं हल करण लाइ तयारु आहियूं त पोइ वेहण जो को जवाज़ ई कोन्हे, को जवाज़ हूंदो आहे त भई असां न जवाज़ तॾहिं ठहंदो आहे जॾहिं असीं इनकारी थियूं, असां त जॾहिं हुननि सां गॾु साथी बनजो, हुननि जा मसला हल करण लाइ वेठा। कल्ह डॉक्टर दायो डीन आहे हुन में सिंधी यूनिवर्सिटीअ में, उन सां ॻाल्हायो आहे, उन सां सॼो उन चयो त मैडम आउं ॻाल्हायां थो फार्मेसी काउंसिल वारनि सां, त मतिलबु उहो ई आहे त जेके शयूं असांजे हथ में असां कयूं पिया, उन खां पोइ बि थींदो हुओ त सभु रिक्वायरमेंट्स पूरियूं कबियूं, वरी फार्मेसी काउंसिल ईंदी, उन खां पोइ उनजी टीम अची असांखे एक्रीडेट कंदी, त ही केतिरा ॾींहं वेहंदा, असांखे टाइम मिलियल आहे, साल जो टाइम मिलियल आहे, त ही साल ॿाहिरि वेठा हूंदा छा, ही चवनि था त जेसि ताईं असांजी रजिस्ट्रेशन कोन थींदी असीं कोन उथंदासीं, त इहो त इरेशनल एटीट्यूड आहे न, वाइस चांसलर जे हथ में, इहो मुंहिंजे त हथ में ई कोन्हे, मां ओॾीमहिल ई करे, छो जो हिननि ज़िद कयो असांखे लैपटॉप खपनि, असां उहे फाइनली उहे करे ॾिननि, फीस रीइंबर्समेंट खपे असां उहा करे ॾिनी, कहिड़ी शइ आहे जेका असां हिननि जी कोन कई आहे, असां त हर शइ पूरी कंदा आहियूं, पर हिननि खे केरु भड़काइण वारो आहे जेको ही पंहिंजे हुन तां मतिलबु ट्रैक तां लही विया आहिनि, सो अलाह सां कंदो त सम्झी वञनि, ऐं तव्हांजो बि जेको रोल आहे त तव्हां थोरो हुननि खे अवेयर करण जी कोशिशि कयो, त पंहिंजे इदारे खे ओन कयो, उनखे बदनाम न कयो। डिपार्टमेंट में जेको ख़र्चो तक़रीबन केतिरो थो अचे जेको हिकिड़े शागिर्द ते शागिर्दियाणीअ ते यूनिवर्सिटी, इहो बि मां तव्हांखे ॿुधायां त सभिनी यूनिवर्सिटीज़ में जिथे जिथे फार्मेसी डिपार्टमेंट आहे उन में सभिनी खां घटि फीस असांजी आहे 55,000, सभिनी खां घटि आहे, ऐं हींअर जेको असांजो एक्रीडेशन लाइ असांखे इक्विपमेंट्स जे लाइ या केमिकल्स जे लाइ या एंडोमेंट फंड लाइ 60 मिलियन जी ज़रूरत आहे, जेको प्रोपोज़ल ठाहे मूं CM साहिब खे मोकिलियो आहे, त असांखे इहो महिरबानी करे 60 मिलियन अलॻि सां सेंक्शन करे ॾियो, ताकी असां इहे जेके मसला आहिनि हल करे सघूं। अच्छा मैडम, हो इहो शागिर्दनि जो शागिर्दनि चवंदा त मैडम असां वटि पाण माना कॾहिं न आई आहे, असां ते हथु न रखियो अथई, असां सां ॻाल्हाइण असांखे मथां टेंट नथी हणनि ॾिए, नियाणियूं उसुनि में वेठियूं आहिनि, हीअं वेठियूं आहिनि, त तव्हां चओ था त मां हुन ॾे न वञा, त हिते जेकॾहिं तव्हां सां मिलणु अचनि त तव्हां मिलंदव? मां बिल्कुलु मिलंदीसान, पर ॿी ॻाल्हि इहा त मूं बिल्कुलु मना कान कई आहे त टेंट न हणो, बिल्कुलु मना कई आहे त गिल्म न विछायो, मूं का बि मना कान कई आहे।